हेलो न्यू इंडियंस, ये कहानी है पिछले दिनों की, जब मैं ट्रेन में जा रहा था। पर ट्रेन में दोस्त ना बना पाने के कारण और खिड़की के बाहर देख देख कर बोर हो जाने के कारण मैंने देश के अंदर चल रही न्यूज देखने का फैसला किया। सवाल पब्लिक का आज ये है कि क्या गीता प्रेस को अवार्ड देने का विरोध कर रही कांग्रेस ने बैठे बैठाए हिंदुओं का विरोध मोल ले लिया है? क्या कांग्रेस पार्टी सनातन के साथ खड़े गीता प्रेस का विरोध धार्मिक आधार पर कर रही है? गीता पर महाभारत। 6 घंटे टीवी नॉइज सुनने पर मालूम चला कि न्यू इंडिया की 10 साल पुरानी मोदी सरकार ने गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी पीस प्राइज देने का फैसला किया। और हर डिसीजन की तरह बीजेपी के इस डिसीजन पे जो सवाल उठाएगा वो एंटी हिंदू कहलाएगा। हर चीज से आप कह रहे हैं हिंदू विरोधी सनातन विरोधी। भाई हिंदू और सनातन का ठीका बीजेपी ने तो नहीं ले रखा है ना? लेकिन हर मुद्दे पर अगर विपक्ष कोई सवाल खड़ा करता है, बीजेपी अगर उसे हिंदू विरोधी बता देता है तो हर मुद्दे पर सवाल क्यों खड़ा करता है? यही तो सवाल है ना। बीजेपी कुछ भी करेगी हर बात में खोट निकालना है। मतलब मोदी सरकार कोई भी फैसला ले उसमें कमी निकालनी है, खोट निकालना है। एक आदत सी नहीं पड़ गई है विपक्षी दलों को? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे? कांग्रेस के एक्स मिनिस्टर और सीनियर लीडर जयराम रमेश, जिनके नाम में 2 बार राम आता है, उन्होंने कहा कि गीता प्रेस हमेशा गांधी के उसूलों के खिलाफ रही है, स्पेशली कास्ट इक्वालिटी और कम्युनल हार्मनी को लेकर। और इसीलिए ये अवार्ड गीता प्रेस को देना वैसा ही है जैसे गोट से कोई अवार्ड देना। और इसके जवाब में बीजेपी ने अपना सारा लॉजिक यूज कर ये कहा, आप लोग शायद पाकिस्तानी शब्दों और पाकिस्तान को हमेशा लुभाने के लिए उनके वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। गांधी पीस प्राइज ऐसे इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है जिन्होंने सेल्फलेसली पीस, नॉन वायलेंस और ह्यूमन सफरिंग कम करने के लिए आउटस्टैंडिंग काम किया है। द गीता प्रेस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, जिसने सनातन की सेवा में करीब 41-42 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन किया है। सनातन संस्कृति के लिए समर्पित। दिस इज एन इंस्टीट्यूशन दैट हैज इंश्योर्ड हिंदू एनलाइटनमेंट। क्या ये कम कंट्रीब्यूशन है अपने सिविलाइजेशन, अपनी हिंदू स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने के लिए? यानी गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मान देकर मोदी सरकार ने बढ़िया काम किया। मालिक की गोदी में बैठे न्यूज एंकर्स ने गीता प्रेस के तारीफों के ऐसे स्क्रिप्टेड पुल बांधे कि मैं झट से अपनी ट्रेन की सीट से उतरकर फट से अगले रेलवे स्टेशन पर ही उतर गया और स्टेशन के बुक स्टॉल से एक संस्कारी किताब खरीद ली जो गीता प्रेस गोरखपुर से छपी थी, जिसका नाम था हाउ टू लीड अ हाउस होल्ड लाइफ, यानी गृहस्थ में कैसे रहे। मेरी उम्मीद थी कि मैं इस 20 रुपए की किताब से $1 trillion का धार्मिक संस्कार प्राप्त कर लूंगा। बट वॉट हैपेंड नेक्स्ट विल ब्लो योर माइंड। Question: What should the wife do if her husband beats her and troubles her? The wife should think that she's paying her debt of her previous life and thus her sins are being destroyed and she's becoming pure. Should children be educated in Christian schools? No, children should not be educated in Christian schools. If they are educated in Christian schools, in spite of living in your house, they will become Christians. Should a dog be kept as a pet? A dog should not be kept as a pet. He who keeps it as a pet goes to hell. Why can a woman not get remarried? When once a girl is given away in marriage as charity by her parents, she does not remain a virgin anymore. So how can she be offered as charity to anyone else? In these days, women demand equal rights like men. Is it proper? No, it is not proper. In fact, a woman has not the right of equality with the man, but she has a privilege. Is Sati Pratha, the tradition of the wife being cremated with the dead body of the husband on the funeral pyre, proper or improper? A wife's cremation with the dead body of her husband on the funeral pyre is not a tradition. She, in whose mind truth and enthusiasm comes, burns even without fire and she does not suffer any pain when she burns. This is not a tradition that she should do so, but this is her truth, righteousness and faith in spiritual decorum. On this topic, Prabhu Datta, ब्रह्मचारी जी हैज रिटन अ बुक हुज टाइटल इज सती धर्म, हिंदू धर्म की रिद्ध है, विच ट्रांसलेट्स टू क्रिमेशन ऑफ अ वाइफ विद हर हस्बैंड्स डेड बॉडी इज द बैकबोन ऑफ हिंदू रिलीजन। ये सब पढ़कर मेरे दिमाग का पीस तो बिल्कुल खराब हो गया और मैंने उस महापुरुष की बात याद की जो टीवी पर आकर कहा करते थे, टीवी कम देखिए, इस पर या तो झूठ का प्रोपेगेंडा चलता है, नेता की नेतागिरी चल रही है, आपको या आपके बच्चे को मानव बम में बदलने के लिए हिंदू मुस्लिम डिबेट चलाया जाता है।
क्योंकि गीता प्रेस का आपने इतिहास न जाना तो देश न जाना। अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं व्यूअर्स।